मैं डॉक्टर नरेंद्र चावला, एक्स प्रिंसिपल श्री लक्ष्मी नारायण आयुर्वेदिक कॉलेज अमृतसर। मैं आपको कोरोना के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। हिंदुस्तान जीतेगा, कोरोना हारेगा, हमेशा ये चीज़ दिमाग में रखें। और इसकी क्या क्या प्रिकॉशंस ले रही हैं, मैं उसके बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हमें मास्क लगाना है, कहीं भी बाहर जाने से पहले हमें मास्क लगाना है। और मास्क किस तरह से लगाना है उसका भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब मास्क लगाना है पहले तो आपको अपने हाथों को सैनिटाइज करने हैं, फिर इसको पहले ऊपर की ओर बांधना है इस तरह से, फिर जो है आपने नीचे से बांधना है। और जब आपने उतारना है तो पहले नीचे से खोलें फिर ऊपर से खोलें, और इसको रैप करके खुले में नहीं फेंकना है, इसको डस्टबिन में, बंद वाले डस्टबिन में फेंकना है ताकि इसके ऊपर जो वायरस लगा हुआ है वो किसी और को ना फैले। और घर के बाहर आ जाते हैं, कोई भी चीज़ सामान उठाते हैं, आप दरवाजे को हाथ लगाते हैं तो हमें बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करना है या साबुन से धोना है, क्योंकि सैनिटाइजर आज अवेलेबल नहीं है। तो हमें अपने कोई भी साबुन हो उसके लिए कोई स्पेशल साबुन की आवश्यकता नहीं है, हमें बार बार हाथों को धोना है। और इसके साथ हमें एक और ध्यान रखना है कि हमें अपने घर में ही रहना है, हमें अपने घर में ही रहना है, घूमने नहीं जाना है। अगर कोई एक्सरसाइज करनी है तो घर में योगा करें, बाहर घूमने ना जाएं। लोग, मैं देखता हूँ बहुत सारे सुबह जो है घूमने निकल जाते हैं, ये गलत है। लॉकडाउन का मतलब यह है कि आप अपने घर में रहें और लोगों को इससे बचा के रखें। तीसरा जो है, इसके पश्चात जो है, आपने अगर आपको कोई छींक वगैरह आती है तो आपने इस तरह से छींकना है ताकि जो वायरस है वो यहाँ पर आएगा और वो थोड़ी देर के बाद अपने आप ही समाप्त हो जाता है। इसलिए हमेशा जब छींक आए, अगर आपने मास्क नहीं पहना है, तो इस तरह से करें। इसके पश्चात आपको कहीं गैदरिंग में नहीं जाना है, किसी तरह की गैदरिंग नहीं करनी है, अगर है तो जाना नहीं है। और लोगों को भी सलाह दें कि गैदरिंग ना करें। और इसके अलावा आपने कभी कच्चा ना खाएं, अगर कुछ सलाद खाना है तो पहले उसको गर्म पानी में रख दें 2 मिनट के लिए और उसके बाद उठा कर उसको खाएं। अगर किसी व्यक्ति को खांसी जुकाम बुखार है तो उसको कुछ दिन के लिए, 1 दिन 2 दिन के लिए क्वारंटाइन हो जाना चाहिए अपने आप घर के अंदर ही। अगर तो वो ठीक हो जाए तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं ठीक हो रहा है तो वहाँ का जो जिस भी सिटी का हॉस्पिटल है वो वहाँ जाके एक बार उसको चेकअप जरूर करवाएं। यही मैं लोगों को एक सलाह देना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।